भी नहीं लूंगा, 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और ये बाकी अस्वस्थताओं से अनुरोध करूंगा कि वो 3-3 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर क्या है पर्चे की बात हो रही है और ये संविधान पर तो कभी विचार गोष्ठी रखेंगे, संविधान पर विचार गोष्ठी होगी। असली बात माननीय ओवैसी गौतम साहब ने यहाँ पर सत्ता से लेकर हमको जानता नहीं था, वो जमाना था जब हम जो है कार्ड लेकर के जाते थे तो कोई अपना ही अधिकारी जो बाबा साहब के फोटो दे करके इस तरह से रख लेता था, उल्टा करके रखता था अपने टेबल पर जो है, उस समय से जो है सत्ता सहयोग दल को जमाने का काम किया और वो आसत में है सारी की सारी। उनमें जो है बस अपनी एक बात जोड़ देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे ही 1921 में भ्रष्टाचारी सभा और सत्ता सैनिक दल और इनकी जो स्थापना की, एक ही कराहट थी, एक ही कड़वाहट थी कि इस देश के अंदर हजारों साल के जो शासन का जब अवलोकन किया जाता है, हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है तो उसमें मिलता है दो प्रकार की विचारधाराओं में हमेशा से टकराव रहा है, एक विचारधारा समता की पक्षधर रही है तो दूसरी विचारधारा असमानता की पक्षधर रही है, एक विचारधारा मेहनत में विश्वास करती है तो दूसरी छल और लूट के कारण से आराम की जिंदगी बसर करने के जो है व्यवस्था में विश्वास रखती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मात्र इस व्यवस्था को बदलने के लिए कि मेहनत कर मजदूर को भी उसके जीवन के लिए कुछ अधिकार चाहिए, उनको जो है इस संविधान में रखा है, आज हम उस पर्व को मना रहे हैं। उसी संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए माननीय गौतम साहब ने सारी बातें कर दी है, मैं तो उनके साथ में रहा 24 घंटे साथ साथ हम चले, असली बात वही है तो संविधान की रक्षा सुरक्षा कैसे हो, उसको इंप्लीमेंट किस प्रकार से किया जाए, असली बात यह है संविधान में क्या लिखा हुआ है, कितने आर्टिकल है, कितने क्या है, सब अपने घरों में पढ़ लेंगे, सबके घरों में रखे हुए नहीं रखे हुए तो रखना चाहिए अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को सब अपने अपने घरों में रखें और उसमें पढ़े हुए जाना पढ़े और पढ़ाएं, यहाँ चर्चा करने से ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ इतना है वो इंप्लीमेंट किस प्रकार से होना है। इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे खूब पता है माननीय जोशी साहब के नेतृत्व में जब कभी भी कोई आंदोलन की बात होती है तो एक से अम्बेडकर भवन पर होता है तो दूसरा पार्लियामेंट पर होता है और वहां पर ये फूलों के गुलदस्ते नहीं दिए जाते, वहां पर पूरी पूरी रोड जाम करी जाती है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के गरीबों को पकड़ा जाता है। समता सैनिक दल इस प्रकार का संकल्प है, समता सैनिक दल इसी प्रकार से बढ़ करके पूरे देश में पहुंचा है, समता सैनिक दल का काम जो है बहुत ठंडे कमरों में बैठ करके जो है विचार गोष्ठियों के माध्यम से कभी नहीं चला, जो समता सैनिक दल आज जो है इस पवित्र पर्व को सिर्फ एक सांकेतिक संकेत मात्र मना रहा है। हम ये बता देना चाहते हैं साथियों, जो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो बड़ी बात की है वो बड़ी बात की है कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनके बाद में फिर कबीर साहब, उनके बाद में चोखा मेला, उनके बाद तुकाराम, सारे के सारे लोग आते रहे और सब लोगों ने जो है समता की बात को जो है पानी देने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश के अंदर जो बहुतायत में लोग हैं वही बात उनकी बातों को मानते नहीं है, वही लोग तो जो है उस विषमतावादी व्यवस्था को, समानतावादी व्यवस्था को बरपाने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ से कोई कराना चाहते हैं उस व्यवस्था को पानी देना बंद कर दो, संविधान सुरक्षित हो जाएगा, इस देश में मेहनत का मजदूर का राज स्थापित हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय मुद्रा।